हाय व्यूअर्स, वेलकम द फूडीज डॉक्टर। आई एम डॉक्टर दीप्ति। आज की रेसिपी है पोटैटो फिलिंग फॉर्म मसाला डोसा, जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल है और सबके घर में मौजूद होते हैं। चलिए स्टार्ट करें कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है जिसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल के गर्म होते ही हम ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स के चटकने पर हम ऐड करेंगे हींग, चना दाल, उड़द दाल। चना दाल और उड़द दाल ऑप्शनल है। अब हम ऐड करेंगे ग्रेटेड जिंजर। इन्हें अच्छे से हम फ्राई करेंगे। जैसे ही दाल हमारी लाइट ब्राउन हो जाएगी, हम ऐड करेंगे 10 से 12 करी लीव्स। करी लीव्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मसाला डोसा आलू, इसे स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अब ऐड करेंगे हम ग्रीन चिलीज और स्लाइस किए हुए अनियन। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। अब ऐड करेंगे यहाँ पे हम 1 टीस्पून शुगर एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छे से मिक्स करिए। ध्यान रहे प्याज हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन रखना है। जैसे प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम ऐड करेंगे यहाँ पे टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। मिक्स करिए। यहाँ पे मैंने 5 से 6 उबले हुए आलू लिए थे जिसे मैस्ट किया हुआ है। अब इस स्टेज पे हम आलू को ऐड करेंगे। आलू को अच्छे से प्याज के साथ भुनेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे, स्प्रिंकल अ लिटिल वाटर एंड मिक्स वेल। जैसे मिक्स हो जाएगा, हम ऐड करेंगे हल्का सा नमक, क्योंकि ऑलरेडी हमने शुरुआत में नमक डाला है, इसलिए नमक का ध्यान रखिएगा। अब ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सांभर मसाला। सांभर मसाला इज़ ऑप्शनल, लेकिन आप अगर डालते हैं तो टेस्ट अच्छा आएगा। लास्ट में हम ऐड करते हैं यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। सो पोटैटो फिलिंग फॉर मसाला डोसा इज रेडी। आप ज़रूर ट्राई करिए, बिल्कुल ही बाजार के खाने जैसे लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।